कई बार आपका बैक पेन करता है, आपकी पीठ में चमक आती है, आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, आप खुद ही पेन किलर्स लेते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, आप पेन किलर्स मांगते हैं, केमिस्ट आपको पेन किलर देता है और आपको तुरंत आराम मिलता है। कभी आपका दांत भी दर्द करता है, कभी माइनर एक्सीडेंट होता है, सूजन हुई होती है, दर्द है, फिर भी आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, केमिस्ट से पेन किलर लेते हैं, इससे आपका दर्द कम होता है। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? 90% इंडियंस एक सर्वे के मुताबिक सेल्फ मेडिकेशन से पेन किलर ले चुके हैं, तो आपके पास 100% ऐसा हुआ है। ऐसा मत कीजिए, पेन किलर्स लेना गलत नहीं है, लेकिन इसकी आदत डालना बहुत गलत है। ये बार 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 आप ऐसे ही करते हैं और आपको अंदाजा नहीं है कि इससे आप कौन सी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। आप बहुत बड़ी बीमारी का शिकार होने वाले हैं अगर आप सेल्फ मेडिकेशन लेके पेन किलर्स ले रहे हैं। आप डरते हैं डॉक्टर के पास जाने से? आपको लगता है डॉक्टर के पास जाने के बाद आपको अगर रेस्ट की सलाह दी जाए या डॉक्टर आपको बड़ी सी पर्ची देगा, 5 दिन की दवाई देगा, 10 दिन की दवाई देगा और साथ में कंसल्टेशन फीस भी देनी पड़ेगी? और एक साइड में है सेल्फ मेडिकेशन, जो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पेन किलर्स केमिस्ट के पास जाने के बाद वो दे देगा और मैक्सिमम 20-30 रुपीज़ में आप कवर हो जाएंगे। बुरा ये नहीं कि आप पेन किलर ले रहे हैं, लेकिन जो आदत बढ़ रही है ना, वो बहुत बुरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे YouTube चैनल थिंग्स में अमित में हार्दिक स्वागत। आज हम पेन किलर्स के बारे में बात करेंगे, उनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, उसके एडवर्स रिएक्शन के बारे में बात करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये आप कैसे टाले, हाउ टू अवॉइड एडवर्स रिएक्शन ऑफ पेन किलर्स, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो आपको अंत तक देखना है, मैं आपको अंत में ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आपकी सेल्फ मेडिकेशन भी बंद हो जाएगी और साथ में एडवर्स रिएक्शन भी कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार मेरे चैनल पे आ गए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए क्योंकि मेरी सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। पहले मैंने फार्मेसी की करियर के रिलेटेड वीडियो बनाई है, अब मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बना हूं। जैसे जैसे अपडेट आते हैं, जैसे अवेयरनेस के रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाने का ज़्यादा सोच रहा हूं, क्योंकि आपको मालूम नहीं होगा तो आप टालेंगे नहीं, क्योंकि ये साइड इफेक्ट ऐसे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, इसलिए मैं पेन किलर्स पे आज का वीडियो है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है टाइप्स ऑफ पेन किलर, दूसरा पार्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड इंडिकेशन, तीसरा पार्ट है एडवर्स इफेक्ट और चौथा पार्ट है हाउ टू कंट्रोल सेल्फ मेडिकेशन, हाउ टू कंट्रोल साइड इफेक्ट ऑफ पेन किलर्स। तो पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ पेन किलर्स। पेन किलर्स में 3 टाइप है दोस्तों। पहला टाइप है पैरासिटामोल, इसको हम एसिटामिनोफेन भी बोल सकते हैं। दूसरा पार्ट है NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तीसरा पार्ट है ओपियोइड पेन किलर्स। तो पहले पार्ट के बारे में बात करेंगे पैरासिटामोल। पैरासिटामोल ये एक नॉर्मल माइल्ड एक्टिंग पेन किलर है। हम अभी सेकंड पार्ट में बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इंडिकेशन, उसमें पहले आएगा पैरासिटामोल। पैरासिटामोल ये एक माइल्ड एक्टिंग पेन किलर है, इसको आप साइंटिफिक लैंग्वेज में एसिटामिनोफेन भी बोल सकते हैं। ये बहुत इनिशियल स्टेज में देते हैं और ये बहुत पुराना ड्रग है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो ये प्रोस्टाग्लैंडिंस के सिंथेसिस करता है। प्रोस्टाग्लैंडिंस ये लोकल एक्टिंग मैसेंजर है जो स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, और साथ में कोई इंफ्लामेशन हो या कोई इन्फेक्शन हो या कोई पेन हो तो उस पे साइट पे वो एक्ट करता है प्रोस्टाग्लैंडिंस, और वो पेन पूरा कम कर देता है। तो इसके लिए प्रोस्टाग्लैंडिंस का रिलीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये काम करेगा पैरासिटामोल उसके सिंथेसिस करने के बाद। तो ये हो गया उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब मैं बताऊंगा इंडिकेशन, कौन कौन सी चीज़ों के लिए ये पैरासिटामोल यूज होता है। तो पहले हेडेक के लिए यूज होगा, फिर माइल्ड फीवर के लिए यूज होगा, फिर आपको अगर बॉडी पेन है माइल्ड तो ये भी यूज हो सकता है। तो सेकंड पार्ट में जाते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स NSAID। ये ज़्यादातर प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ पेन किलर है, ज़्यादातर डॉक्टर यही प्रिस्क्राइब करते हैं। ये मॉडरेट एक्टिंग पेन किलर है।
बहुत सारी बार केमिस्ट के पास जाने के बाद भी केमिस्ट यही कॉम्बिनेशन की दवाई देता है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत असरदार भी है, पैरासिटामोल से ज़्यादा असर ये करता है। इसका मैकेनिज्म क्या है, ये भी प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करता है, लेकिन ये दो एंजाइम रिलीज करता है दोस्तों, को ऑक्सीजनेज 1 एंड को ऑक्सीजनेज 2, ये दो एंजाइम एक साथ रिलीज करता है। और उसमें जो को ऑक्सीजनेज 2 है, ये को ऑक्सीजनेज 2 क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करता है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, प्रोस्टाग्लैंडिन ये इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन के साइट पे असर करता है और वो तुरंत पेन कम कर देता है। तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और मैं बताऊंगा कौन कौन सी मेडिसिन ये NSAID में आते हैं। पहले है आइबुप्रोपेन, फिर इंडापामाइड है, फिर पायरोक्सिकैम है, एसिक्लोफेनाइक है, सेराशियोपेप्टिडेज है और क्लोरैक्सेक्सोन। ये बहुत सारे दवाएँ हैं जो मॉडरेट एक्टिंग पेन किलर्स या NSAID में आते हैं। तो उसके बाद में बात करूँगा ओपियोइड पेन किलर्स के बारे में। ये ओपियोइड पेन किलर्स क्या है, ये सबसे हार्मफुल पेन किलर है। ये ज़्यादातर डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते, क्योंकि जिनको इंटेंस पेन होते हैं, समझ लीजिए कैंसर के केस में ये पेन किलर्स यूज़ होते हैं। और सबसे फेमस पेन किलर है ट्रामाडोल, इसका इस टाइप में ट्रामाडोल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पेन किलर है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो ये ओपियोइड रिसेप्टर रिलीज करता है और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ऐड करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब हमारे सिर के ऊपर का जो हिस्सा रहता है, वो उस पर जब सिग्नल जाते हैं तभी आपको पेन होगा, लेकिन ये सिग्नल को स्टॉप कर देता है तो आपको पेन नहीं होगा। तो ये सबसे फास्ट एक्टिंग पेन किलर है, लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी बहुत है। तो दोस्तों ये हो गया टाइप्स ऑफ पेन किलर, इंडिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अभी मैं एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करूँगा। पैरासिटामोल का एडवर्स इफेक्ट है कि ये नौशिया करेगा, फिर हेपेटोटॉक्सिसिटी मतलब लीवर टॉक्सिसिटी भी इससे हो सकती है, फिर एलर्जीज भी हो सकती है। ये कब होगा, जब आप ज़्यादा मात्रा में पैरासिटामोल का इस्तेमाल करेंगे या ज़्यादा डोज आपके शरीर में जाएगा। सेकंड है NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये एडवर्स इफेक्ट करेगा आपके, ज़्यादातर ये एडवर्स इफेक्ट करेगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पे, फिर किडनी पे असर करेगा, फिर डिप्रेशन पे भी, ये डिप्रेशन भी कर सकता है अगर ज़्यादा लिया तो। उसके बाद ओपियोइड पेन किलर्स, ओपियोइड पेन किलर्स का साइड इफेक्ट क्या है, ये नौशिया क्रिएट करेगा, वोमिटिंग क्रिएट करेगा, फिर डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन होता है अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो, इसका डिप्रेशन पे असर होता है। और उसके बाद ये हेपेटोटॉक्सिसिटी भी क्लियरिंग करता है, मतलब ये लीवर के फंक्शन को भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये हो गए उसके साइड इफेक्ट। अभी मैं बताऊँगा कि कैसे इसको कंट्रोल कर सकें। सबसे पहली बात, सेल्फ मेडिकेशन ये बंद करना चाहिए। क्यों बंद करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सेल्फ मेडिकेशन लेते हैं तो आप एक तो दो दिन का दवाई लेते हैं या एक दिन का दवाई लेते हैं, और उससे होता है ड्रग रेजिस्टेंस। दोस्तों ड्रग रेजिस्टेंस ये एक ऐसा फेनोमेनन है या एक ऐसी बीमारी है, मैं अगला वीडियो इसी पे बनाने जा रहा हूँ, कि इससे ज़्यादातर लोगों की मौत भी हो सकती है। दोस्तों ये ड्रग रेजिस्टेंस होता है, ये कब होता है, जब आप डोज कम लेते हैं। समझ लीजिए 5 दिन का डोज है, आप 2-3 दिन में ही ख़त्म कर देते हैं, तो और आपको लगता है कि चलो इसका असर तो हो गया, अभी लेने की ज़रूरत नहीं, तो ये ड्रग रेजिस्टेंस के आप शिकार हो रहे हैं दोस्तों। तो सेल्फ मेडिकेशन स्टॉप करना, इससे ड्रग रेजिस्टेंस होगा और आपको डॉक्टर के पास जाके पूरा कोर्स करना है, क्योंकि कोर्स भी कभी कभी अधूरा रह जाता है, ये भी ड्रग रेजिस्टेंस से एक सिम्टम्स बन जाएगा आपका। तो दोस्तों ये हो गया आप कैसे कंट्रोल करेंगे इसके साइड इफेक्ट और कैसे आप सेल्फ मेडिकेशन रोकेंगे, ये आपका सेल्फ कंट्रोल रहेगा। तो दोस्तों मैं समझ लेता हूँ या आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया है, अगर नहीं आता तो पहले से फिर से रिवाइंड करके देखिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिए और शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट लोगों को मालूम होने चाहिए, तभी इसका साइड इफेक्ट कम होता जाएगा। और केमिस्ट लोग जो देख रहे हैं, जिनकी मेडिकल की खुद की दुकान है, उनको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कभी भी ओवर द काउंटर मेडिसिन दे रहे हो तो इसमें से कोई भी मेडिसिन आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मत दीजिए, क्योंकि इसका असर डायरेक्ट पेशेंट पे होता है। तो दोस्तों इसके साथ मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ।